और ये देखिए दोस्तों, यही है वो चीज हमारे इधर ना इसे मनखीरी बोलते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, बन के तैयार हो चुका है बनखीरी का ये भरता। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। और दोस्तों आज में शनिवार है और ये देखिए हम लोग जा रहे पूजा करने वहाँ पे नदी के पास। शनि देवता का पूजा आज होता है तो चलिए वहीं पे जाते पूजा करने। और यहाँ पर ना लगे फूल नहीं था तो थोड़ा सा यहाँ पे फूल था तो हम तोड़ लिए। तो चलिए चलते अब पूजा करने। और मैं जा रही हूँ, भाभी है और छोटी वाली मामी जी। चलिए दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे यहीं पे शनि भगवान का स्थापना हुआ है। तो सभी जो गांव के लोग होते हैं ना, वो शनिवार को यहीं पे आते हैं शनि देवता को मतलब तेल चढ़ाने। तो आज शनिवार है तो हम लोग भी आए हैं दोस्तों। तो चलिए अब ब्यूटी सभी लोग, ब्यूटी मामी और भाभी है, तीन लोग पूजा कर लेगी यहाँ पे। और दोस्तों ये देखिए नदी में ना पूरा फुल हो चुका था नदी, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो चुका है। और इधर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे शिवलिंग भी है। तो भोले बाबा और शनिदेव दोनों का पूजा होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों ब्यूटी पूजा वूजा कर ली है तो ये देखिए चंदन। तो चलिए दोस्तों अब चलते हम लोग घर। और रास्ते में एक चीज है स्पेशल, तो वो भी तोड़ना है। चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा आगे कि क्या है वो चीज, यहीं पे है पास में ही। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग जंगल से मतलब खेत खेत से जा रहे हैं। और पीछे सभी लोग, पीछे ब्यूटी है और भाभी मामी जी भी है। तो यहाँ पे है एक बहुत स्पेशल चीज, बहुत अच्छा होता है दोस्तों वो। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आखिर वो चीज़ है क्या, बस एक खेत के बाद में। और ये देखिए दोस्तों सुबह से धूप निकल चुकी है, आज की वीडियो का मेन चीज वही है। और आज की वीडियो का ना मेन चीज वही है। तो चलिए दिखाते हैं आखिर क्या वो चीज़ है और क्यों हम इतना सस्पेंस बढ़ा रहे हैं आप लोगों का। तो बस थोड़ा देर वेट कीजिए। और पैर में क्या, तो दोस्तों ये देखिए धूप कितने जोरों की है। और ये देखिए दोस्तों हम लोग पहुंच चुके उस खेत में और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो स्पेशल चीज है क्या। और ये देखिए दोस्तों, यही है वो चीज हमारे इधर ना इसे बनखीरी बोलते हैं, है ना? बनखीरी बोलते हैं दोस्तों। हाँ। और इसका ना भरुआ बहुत टेस्टी बनता है। तो हम लोग इसको आज सुबह सुबह तोड़ के ले जाएंगे और घर पे बनाएंगे दोस्तों। ये देखिए छोटा तरबूज जैसा लग रहा है, छोटा तरबूज जैसा लग रहा है दोस्तों। ये बड़ा भी होता है लेकिन हमारे इधर इतना ही छोटा वाला होता है। और दोस्तों कल कोई घास काट रहे थे ना, तो सारे जो मतलब पेड़ होते हैं, इसका बेल होता है दोस्तों लत्ती, तो सबको काट दिए है। तो ये देखिए सभी लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं दोस्तों। इस सारे खेत में है ऐसे ही होता है दोस्तों ये। और ये देखिए हर जगह है, ये है इसका बेल, ये है इसका बेल, ये देखिए दोस्तों। और कुछ इस तरह से फड़े होते है, ये देखिए ऐसे तरबूज लग रहा है दोस्तों, छोटा तरबूज। तो चले तोड़ लेते थोड़ा सा और इसका ना भरुआ बनाएंगे दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए, और सभी लोग देखिए दोस्तों बैठ के तोड़ रहे हैं। उसका जो सबसे बड़ा जो बेल था उसी को काट दिए हैं वहाँ पे, ये देखिए दोस्तों। इसमें ना एक बड़ा वाला भी होता है लेकिन हमारे इधर जो होता है वो छोटा छोटा ही होता है, मतलब ज्यादा बड़ा वाला नहीं होता है। और इसमें पक जाता है तो खाने में भी मीठा लगता है। ढूंढो ना कोई पका होगा, एकदम से फूट के जैसा, जो फूट होता है ना उसके जैसा फट जाएगा, पक के पीला पीला होके। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को दोस्तों, मिलेगा तो। ये देखिए दोस्तों हम लोगों ने एक लोटा तोड़ लिया है, मैं कुछ रखने के लिए लाई नहीं थी तो इसीलिए इसी में रख ली। और ये देखिए इतना सारा हो चुका है, तो चलिए अब चलते घर क्योंकि इसी से हो जाएगा, है ना? हाँ। और इसको धो देंगे दोस्तों तो और अच्छा अच्छा दिखने लगेगा। और पका हुआ तो दोस्तों फिलहाल मिला नहीं है, ये देखिए कुछ ऐसा होता है, अभी सब कच्चा ही है। दोस्तों हम लोग घर पे आ चुके हैं और खाना पीना भी खा लिए। तो क्योंकि आज ना हमारे पड़ोस में जो मामी जी रहती हैं उनके घर पे ना पार्वन का भोज है, तो वो तो थोड़ी देर के बाद होगा। तो हम लोग खाना पीना खा चुके हैं और हमें पता भी नहीं था कि भोज है, नहीं तो हम जो बनखीरी है वो कल ले आते, लेकिन अब चलिए ले आए हैं तो उसे भी बना लेंगे। तो तब तक चलते हैं बाड़ी में क्योंकि सभी लोग ना बाड़ी में ही है। तो चलिए चलते हैं बाड़ी में क्योंकि सभी लोग बाड़ी में ही है। और आज ना बाड़ी में काम है दोस्तों, बाड़ी में ना चना बोना है क्योंकि भाभी जो शुक्रवार करती है तो उसके उद्यापन में साग चाहिए होता है चना का, तो वो चना ही बोना है। तो चलिए चलते हैं हम बाड़ी में। दिव्यांश भी बाड़ी में ही सो गया है और दिव्यांश के पापा भी वहीं पे हैं और भाभी मामी जी सभी लोग बाड़ी में ही है। तो चलिए चलते हैं बाड़ी में और दिखा दे कि कहाँ पे चना बोना है। और दोस्तों ये देखिए यहीं पर चना बो देते हैं
क्योंकि इस तरफ ना बकरी भी ज्यादा नहीं जाएगा और वहां तक चना बोगे। और ये जो यहाँ इस तरफ जो ये टट्टी लगा हुआ है तो यहीं पे थोड़ा सा और टट्टी बढ़ा देंगे तो ये पूरा घिर जाएगा, तो इधर बकरी भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर ना अच्छे से हो जाएगा। और घर के पास नहीं है तो थोड़ा सा देखभाल भी हो जाएगा इसका अच्छे से। तो ये देखिए दिव्यांश के पापा यहाँ पर कुदाल से जो कि मिट्टी को खोद रहे हैं, ताम रहे उसे, और फिर ना सारे मिट्टी को अच्छे से बराबर करके और फिर ना खुरपी से इसे मतलब कि रोपेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दिव्यांश के पापा मिट्टी खोद देते हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा सा मदद कर देते हैं। और ना धूप बहुत तेज है दोस्तों, लेकिन क्या करें, अब काम को जितना मिठेड़ते हैं ना उतना छूट ही जाता है, लेकिन हो जाएगा तो हो ही जाएगा, तो चलिए अब कर ही देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मिट्टी खोद रहे हैं और चलिए इसे जो इतना बड़ा बड़ा दल्ली है ना उसे फोड़ना पड़ेगा। सो फाइनली दोस्तों ये देखिए जिसमें हम चना बोएंगे वो खेत तैयार हो चुका है और इधर ब्यूटी है। तो दोस्तों अभी ना मतलब धूप बहुत तेज निकल चुका है ये देखिए, तो अभी तो हम कुछ बनाएंगे तो चूल्हा जलाने का कोई है नहीं मतलब, और भोज भी आया था तो हम लोगों ने खा लिया है ना, इस वाली मामी के घर पे भोज था, ये जो घर दिख रहा है यहीं पे। तो चलिए दोस्तों अब वो हम शाम में बनाएंगे, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे चना जो है, चना कहाँ पे घर में ही है, तो चना को ना इसमें टोप मतलब बो देते हैं दोस्तों, क्योंकि चार शुक्रवार और बाकी है ना, तो उसके बाद ही हो जाएगा इसमें साग। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आप लोगों से शाम में। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है और ये देखिए यहाँ पे इतना सारा बनखीरा दोस्तों, इसको पेटा बोला जाता है ना, पेटा बोला जाता है शायद, हम लोग को नहीं पता है, हमारे इधर बनखीरी बोलते हैं। तो चलिए अब इसको चलते हैं और कल पे धो के आते हैं अच्छे से, भाभी आ रहे थे पीछे से लेकिन देख के भाग गए दोस्तों, तो चलिए चलते हैं कल पे और इसको धोते हैं अच्छे से, फिर सब कुछ तैयारी करते हैं और बनाते हैं इसका भरवा। तो दोस्तों ये देखिए इतना सारा है, तो चले भी सब कुछ छीलते हैं और इसके अंदर का बीज ना निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों बाहर ना बारिश बहुत तेज आ रही है तो ब्यूटी गई है मतलब कपड़ा सब लाने, तो चले तब तक ब्यूटी कपड़ा सब लाने, तब तक मैं इसको छील लेता हूँ जितना हो सके उतना। और आंधी भी आ गया दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसे ना मतलब इस तरह से छील लेंगे, ये देखिए दिव्यांश के पापा छीले हुए हैं, मैं चल गई थी कपड़ा लाने, बाड़ी में क्योंकि ना बारिश लग चुका है तो इसलिए ले आए हैं। तो ये देखिए इसी तरह से इसे छील कर और इसके अंदर का जो बीज है ना वो देखिए वो भी निकाल दिए हैं और इसी में ना मसाला भरा जाएगा, तो ये देखिए इस तरह से हम बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दिव्यांश के पापा छील रहे हैं, दोस्तों जब इसका छिलका लगा होता है ना तो थोड़ा सा तीता तीता लगता रहता है, लेकिन जब इसका छिलका उतार देते हैं ना तो एकदम फूट जैसा लगता है ना, अब बिल्कुल भी तीता नहीं, तो थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा और मीठा भी लगता है। तो हम लोगों ने खाया है इसे छीलकर और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इसी तरह से बना लेंगे और यहाँ पर दिव्यांश के पापा वो छील रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए इतना सारा हुआ है और भी है दोस्तों, लेकिन बारिश हो रहा है, ये देखिए दोस्तों बारिश हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने इतना ही बनाया है। और ये देखिए सबको अच्छे से साफ भी कर लिया अंदर से और इतना सारा बन चुका है दोस्तों, तो बहुत टाइम लगता है इसमें तो इसलिए हम लोगों ने इतना ही बताया है। और बारिश बहुत ही तेज लगी है दोस्तों तो इसलिए हम लोगों ने इतना ही बनाया है और आप लोगों को दिखाऊंगा कि बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, लेकिन ये छोटा छोटा है ना तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा ही बनाया है। और ये देखिए बेटी इसको प्याज को पीसेंगे, प्याज लहसुन इसको पीस के फिर इसके मतलब इसको पील किया जाएगा दोस्तों, भरता बनाया जाएगा इसका, तो बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। लेकिन अभी ना हम लोग बारिश के कारण ज्यादा कुछ नहीं बना पा रहे, नहीं तो अगर बारिश तेज हो जाएगा तो इसे मतलब हवा चलेगा ना तो यहाँ भी पूरा असोड़ा है ना जो भीग जाता है दोस्तों बारिश से। और दिव्यांश को देखिए राधिका के साथ आया अभी खेल के, तो चलिए दोस्तों तब तक रोटी प्याज काट के पीसेगी और तब तक मैं जलावन वाला ला देता हूँ, बिकॉज अभी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इसी की तैयारी करते करते इतना टाइम बीत गया दोस्तों। और बीच में बारिश भी हो रही थी तो सारा कपड़ा उपड़ा लग बाहर था तो उसको भी रोटी रख रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया, तो चलिए कोई नहीं आप देखते हैं, अगर तब ऐसा भी बारिश होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बहुत तेज जोरों की बारिश लगी है तो अगर वो हो जाए होने लगे तेज कर तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए थोड़ा ही रखो ना थोड़ा ही तो हो जाएगा। दोस्तों देखिए सब कुछ रेडी हो चुका है और ये देखिए मैं इसे धोकर भी साफ कर लिया है और यहाँ पे आंच भी जल चुका है, तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ना ये बड़ा बड़ा वाला होता है ना, लेकिन हमारे घर में यही छोटा छोटा ही वाला होता है। और दोस्तों देखिए इसमें ना ये मसाले
ये है लहसुन प्याज जो हमने सिलबट्टे पे पीसा है, और ये धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो पहले सबको भून लेंगे है ना? हाँ। और फिर उसके अंदर ऐसे भर देंगे और उसके बाद उसको भी फ्राई कर लेंगे ऐसे ना? हाँ। तो बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों बनखीरी का भरता। बनाने में बहुत आसान है, बस दोस्तों ये छोटा छोटा है ना, बस ये करने में मेहनत, इसे छील कर ना उसका बीज निकालने में, और हाँ। इतना बड़ा बड़ा होता है, परवल की तरह होता है ये। हाँ, ये परवल की तरह होता है, वो तो बहुत सिंपल है। सॉरी दोस्तों, मेरे मुंह से ना बार बार भरता निकल जा रहा है, इसका भड़ुआ बनेगा। हम लोग भड़ुआ बोलते हैं ना, कोई भी चीज इसमें ना कुछ भर के बनाया जाता है तो उसको हमारे इधर भड़ुआ बोला जाता है। जैसे जैसे करेले का भड़ुआ होता है, परवल का भड़ुआ होता है, तो उसी तरह से आज हम लोग बैगन का, तो आज हम लोग बना रहे हैं इसका बनखीरी का। दोस्तों पेटा बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे इधर बनखीरी बोलते हैं। मुझे भी नहीं पता था इसको पेटा बोलते, जब मैंने इसको नेट पे सर्च किया तो पता चला कि इसको पेटा बोलते हैं। तो चलिए हम तो बनखीरी ही बोलेंगे क्योंकि बनखीरी के नाम से हम लोग जानते थे। और ये देखिए तावा में ही हो जाएगा ना, थोड़ा सा ही है दोस्तों। देखिए बारिश टिप 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 हो रही है। चलिए दोस्तों तावा भी गर्म हो चुका है, ये देखिए कितना लग चुका है पानी। हाँ। तो दोस्तों तावा गर्म हो चुका है, तो चलिए अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, और बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों ये। दोस्तों ऐसे ऐसा भी छील कर खाएगा ना तो फूड जैसा लगता रहता है। हाँ। उस तरह से लगता है, थोड़ा सा मीठा थोड़ा सा खट्टा है ना। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लगता है। छिलके के साथ दोस्तों ये बहुत तीता लगता है, मतलब तीत टाइप का लगता है ना, मिर्ची वाला तीता नहीं, जो तीखा वाला तीता होता है ना, वो करेले वाला तीखा कड़वा कड़वा लगता है दोस्तों, है ना। अभी गर्म भी नहीं हुआ था तब, हो गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब जीरा भी हो चुका है अच्छे से, तो सब एक साथ ही डाल दो ना, सारे मसाला दोस्तों का ये एक ही साथ। ये देखिए इसको अच्छे से फ्राई कर लिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ब्यूटी डाल दिए नमक, ये देखिए। और दोस्तों ये देखिए मसाला यहाँ पे आ चुका है, और ब्यूटी अब इसमें भर रही है, छोटा छोटा ये दोस्तों कितना छोटा छोटा, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसे अच्छे से फूल कर दें। हाँ। तो थोड़ा थोड़ा एक चुटकी तो आटे का है, और इस तरह से दोस्तों इसके चारों तरफ लगा देंगे। हाँ। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से, ये देखिए इस तरह से पलट दिया जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों बन के तैयार हो चुका है बनखीरी का ये भरता, और कितना टेस्टी लग रहा है आप लोग बताइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। और ये थोड़ा सा कम है, कम नहीं बोल सकते दोस्तों इसको, इसको ना मतलब दाल चावल के ऊपर से खाया जाता है ना, तो ये ठीक ठाक ही है। और उधर देखिए बेटी यहाँ पे बैठी है, आँच भी चल रहा है, बिकॉज अभी क्या बनाना है, रोटी बनाऊंगी, सब्जी है। हाँ, सब्जी है, रोटी बनाना है, और इसमें टाइम लग गया था दोस्तों, लेकिन बहुत ही अच्छा बना है। ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। तो चलिए आप ब्यूटी आप लोगों को टेस्ट करके बताएगी कि कैसा बना है। तो चलिए दोस्तों ब्यूटी अब आप लोग अभी अभी उतरा है दोस्तों तो चलिए आप बताएगी ब्यूटी कैसा बना है। सच में दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका ना खट्टा खट्टा टेस्ट भी आ रहा है, तो हल्का अच्छा सा हल्का सा खट्टा होता है दोस्तों, बट इसमें ना इसका जो मतलब ऊपर का छिलका होता है वो बहुत तीखा होता है, उसे उतारना पड़ता है, उसे उतार देते हैं ना, तो उसके बाद वो ऐसे भी खा सकते हैं ना, उसको कच्चे भी खा सकते हैं, बट उसका बीज भी हटा देते हैं। हाँ, बीज भी उसका उतना मतलब तीता उता नहीं होता है, बट उसको हम लोग हटा देते हैं, कटर कटर लगता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।